वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलो सबसे पहले मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक होम थिएटर जो कि उसमें सोनी लिखा हुआ है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, देखिए ये चलते चलते बंद हो रहा है और अजीब सा साउंड हो रहा है दोस्तों इसमें। अभी देखना ये देखिए बंद हो गया और अजीब सा साउंड होगा इसमें दोस्तों अभी, तो फिर से चालू हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम है इसमें, देखिए इसका जो कार्ड्रिज है उसका लाइट भी बंद हो गया और पैनल का लाइट भी बंद हो गया दोस्तों, तो फिर से चालू हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है इसमें। तो इसका जो देखिए अभी जो इसका साउंड चालू हो गया दोस्तों, फिर से इसमें लाइन आ गया और साउंड भी चालू हो गया, देखिए आज इसका साउंड हो रहा है वहाँ करके। तो इसका ही रिपेयर करेंगे, तो चलिए इसको खोल लिया है हमने, तो इसका स्विच ऑफ कर रहा हूँ अभी जो है इसका वोल्टेज को नापना पड़ेगा दोस्तों। मीटर को एसी मोड में रख के जो ट्रांसफार्मर है उसका जो एसी आउटपुट है उसका भी वोल्टेज नापना पड़ेगा और जहाँ पे डीसी फिल्टर होता है तो दोनों कैपेसिटर में हम लोग डीसी भी नापेंगे। तो मीटर को हम 20 वोल्ट या 200 वोल्ट में रख देते तो मीटर को ठीक तरह से सेट करने के बाद देखिए अभी हम इसका वोल्टेज नापेंगे। तो देखिए एक कैपेसिटर में दोस्तों 6 वोल्ट 7 वोल्ट ऐसा आ रहा है, कम आ रहा है, और एक में देखिए 16 वोल्ट ज़्यादा 17 वोल्ट के करीब आ रहा है दोस्तों। तो एक में देखिए कितना कम आ रहा है और एक में ज़्यादा आ रहा है, तो इसी कारण क्या होम थिएटर बंद हो रहा है दोस्तों और चल भी नहीं रहा है। क्योंकि होम थिएटर चल रहा है तो इसका आईसी वगैरह सभी ठीक है दोस्तों, और इसका वोल्टेज जो है ड्रॉप हो गया, देखिए देखिए एक एसी वायर में 12 वोल्ट और दूसरे में कितना कम दिखा रहा था। तो इसका कारण दोस्तों अक्सर ट्रांसफार्मर से आता है क्योंकि इसमें एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है दोस्तों। तो ये वाला जो है ऑडियो का वायर है दोस्तों टूट गया था, इसको हम लगा देते। तो दोस्तों जो कह रहा था मैं, इसमें एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है तो इसी कारण क्या होता है सल्फर जम के वो उसका कनेक्शन लूज़ हो जाता है, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है, एक साइड का वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाता है। तो इसको भी आप लोग खोल के रिपेयर कर सकते हो उस ट्रांसफार्मर को, लेकिन मैं अभी जो है और इसमें नया वाला ट्रांसफार्मर को लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम चला के दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए ट्रांसफार्मर को खोल लेते, इसका एसी वायर जो है वो भी काट लेंगे हम। और दोस्तों अगर मेरा चैनल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो ज़रूर डिसलाइक कीजिए दोस्तों, लेकिन कीजिए ज़रूर। तो मेरा चैनल का जो प्लेलिस्ट है दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को 160 से ऊपर वीडियो मिलेगा दोस्तों तरह तरह चीज़ के ऊपर, तो उसको देख के आप लोग लाभ उठा सकते हो। और इसमें हम पीके का जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों ये कॉपर का है, इसको ही लगाएंगे, देखिए 12012 जो कि ट्रांसफार्मर है इसका दोनों वायर जो ब्लैक वायर है वो आउटपुट 12 वोल्ट है और बीच वाला जो ग्रीन जैसा दिख रहा है वायर तो वो ट्रांसफार्मर का जीरो है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर को हम सेट कर लेंगे इसमें,
नाटकस के पहले, उसके बाद इसका जो एसी वायर को जोड़ना पड़ेगा, फिर हम इसका सारे जो वायर है जोड़ने के बाद हम मीटर से फिर से आप लोगों को नाप के दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कम दम वाला होम थिएटर है, ये दोस्तों घर घर जाके 1200, 1500, 500, 700 ऐसा रुपया लेके देके जाता है दोस्तों। तो इनमें क्या होता है, कमी होता है कुछ दोस्तों। इसमें एक तो कमी रहता है इसका हीटसिंग, इसका हीटसिंग प्लेट जो है एकदम मतलब फालतू का होता है, पतला, एक कमी है। और दूसरा होता है इसका ट्रांसफार्मर दोस्तों, जो कि 12 वोल्ट है लेकिन उससे निकलता है बहुत ज़्यादा दोस्तों, उसमें 14, 16, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट भी निकलता है दोस्तों। तो इसमें वो थोड़ा ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम रहता है और हीटसिंग का, तो बाकी सब सही है दोस्तों। और इसका जो साब उपर है वो थोड़ा मतलब लो क्वालिटी का होता है, और इसका बॉडी जो है वो भी थोड़ा हल्का होता है, तो लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बॉडी का। तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसका जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों 2 एम्पियर का लगा दो कपर का, और अच्छे से किसी हीटसिंग ले लो, लेके इसके साथ जोड़ दो दोस्तों, और नहीं तो डायरेक्ट इस हीटसिंग को हटा के आप नया वाला लगा सकते हो, तो उसमें ये अच्छा चलता है। तो दोस्तों ये जो वायर हम लगा रहे हैं ये ग्राउंड का है दोस्तों, तो ये हमको 0 वाला जो वायर है ये हमको लगाना पड़ेगा ग्राउंड के साथ। और देखिए अभी जो 12 वोल्ट का वायर लगा रहा हूँ वो ब्रिज डायड में, जो कि वहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा और एक नेगेटिव वोल्टेज लिंक देगा। तो देखिए इसमें अभी 15 वोल्ट दिखा रहा है, 15.5 मतलब 16 वोल्ट के करीब सारा 15 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। और इसमें भी देखिए 10.9 वोल्ट मिल रहा है, जो कि पहले बहुत ही कम था। तो अभी इसका जो है एसी वोल्टेज हम आपके दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए इसमें 12 वोल्ट आ रहा है। तो अभी इसका जो कनेक्शन हम करेंगे, इसका ढक्कन को लगा देते, उसके बाद देखेंगे। इसमें देखिए लाइन तो दे दिया है हमने, अभी ब्लूटूथ लिखा हुआ आता है। तो अभी इसमें जो है कार्ड रीडर को लगाएंगे दोस्तों, और आप लोगों को चला के दिखाएंगे, ऐसा प्रॉब्लम और नहीं आएगा दोस्तों। इसका मेन प्रॉब्लम था जो ट्रांसफार्मर है उसका एक आउटपुट वोल्टेज मतलब 12 वोल्ट वो थोड़ा सल्फर जम के वायर के साथ लूज कॉन्टैक्ट हो गया था, इसी कारण वो नापने से तो सही वोल्टेज दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही लोड पड़ता है तब उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो इसी कारण वो प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों। तो अभी देखिए ये सही से चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए इसमें अभी भी चल रहा है, इसका जो है पैनल भी सही है और यूएसबी सर्किट भी सही है। तो दोस्तों आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई होम थिएटर आता है, इसमें सोनी लिखा हुआ आता है दोस्तों, आप लोग समझ लो, तो उसमें आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आग बंद करके इसका ट्रांसफार्मर पहले चेंज कर दो, तो 100% सही हो जाएगा दोस्तों। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।